हम लोग की बहाली 2019 में पोषण अभियान ICDS विभाग में पोषण अभियान के तहत किया गया था, और 10 तारीख को हम लोग के पोस्ट को विलोपित करने का एक पत्र निर्देशक द्वारा निकाल दिया जा रहा है। जो लेटर आया है निदेशक सर जो जारी किए हैं 10 अगस्त 2022 को, तो इसमें इन्होंने पद को जो है प्रखंड परियोजना सहायक के पद को विलुप्त करने की बात कही है। कुछ लोगों का 3 साल हो गया है, कुछ लोगों का 1 साल हुआ है ज्वाइनिंग किए हुए, और हम लोगों का मांग है कि जो सरकार लेटर निकाली है कि BPA पद को विलोपित किया जाता है, तो हम लोग चाहते हैं कि सर उस पद को लेटर को वापस लिया जाए और BPA पद को वापस रखा जाए। पूरे बिहार में यानी हर प्रखंड में 544 हम लोग की स्वीकृत संख्या है, लेकिन अभी 425 ही हम लोग कार्यरत हैं। तो सर सरकार एक तरफ बोल रही है कि हमको रोजगार देंगे, और फिर हम लोग पहले रोजगार में होते हुए हमको हटाया जा रहा है। जो हमारे यहाँ जो सेविका है, जैसे कि पंचायत होता है, जैसे कि हमारा सुपौल डिस्ट्रिक्ट में हमारा सरायगढ़ प्रखंड में है, तो हमारे यहाँ 145 केंद्र है सेविका का, तो सभी सेविकाओं का मंथली वाइज मीटिंग होता है, उसमें या फिर सेक्टर वाइज मीटिंग रखवाते हैं। सेक्टर वाइज मीटिंग में हम लोगों को जैसे कि एक सेक्टर हुआ, दो सेक्टर हुआ, तो सेक्टर अलग अलग करके मीटिंग रखाया जाता है, उसमें पोषण ट्रैकर से संबंधित जो है टेक्निकल सपोर्ट दिया जाता है। जी हम लोगों का ये कार्य होता है सर प्रखंड परियोजना सहायक का, कि हम अपने जो हमारे यहाँ जो सेविका है, जैसे कि पंचायत होता है, जैसे कि हमारा सुपौल डिस्ट्रिक्ट में हमारा सरायगढ़ प्रखंड में है, तो हमारे यहाँ 145 केंद्र है सेविका का, तो सभी सेविकाओं का मंथली वाइज मीटिंग होता है, उसमें या फिर सेक्टर वाइज मीटिंग रखवाते हैं। सेक्टर वाइज मीटिंग में हम लोगों को जैसे कि एक सेक्टर हुआ, दो सेक्टर हुआ, तो सेक्टर अलग अलग करके मीटिंग रखाया जाता है, उसमें पोषण ट्रैकर से संबंधित जो है टेक्निकल सपोर्ट दिया जाता है। पोषण ट्रैकर में जैसे हो गया आपको बच्चे का अटेंडेंस बनाना होता है, बच्चों का स्नैक्स होता है, खाना खिलाना होता है, बच्चों का आधार वेरिफिकेशन होता है, तो ये सब सारा उसमें कार्य है। THR होता है, कम्युनिकेटिव बेस इवेंट होता है जो कि गोद भराई अनुप्राशन होता है, VSND होता है जो कि उसमें टीकाकरण जो महीने में बच्चों का कराया जाता है, उस चीज़ का वो सारा डेटा एंट्री करवाना होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में उन लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है हम लोगों की तरफ से, जो BPA हैं स्टेट लेवल पर सारे टीम देते हैं प्रखंड परियोजना सहायक की तरफ से, तो इन सब चीज़ों को हम लोग उनको बताते हैं। जिनको नहीं आता है, बहुत टेक्निकल इशू उन लोगों के साथ होती है, लेकिन हम लोग सपोर्ट के तहत सारा कार्य अच्छे से करवा देते हैं सबका पोषण अभियान अंतर्गत। हाँ बोलिए, क्या बोलिए सर? एक्चुअली हम बोलना ये चाह रहे थे सर कि लेटर नंबर 2621 से हम लोगों को बहाली हो रही है। 2019 में विज्ञापन आता है, हम लोगों का TOR आता है कि इसमें 2621 के अनुसार आप लोगों की बहाली की। उस बहाली में सर 4 पद सृजित किए जाते हैं, 2 पद जिला लेवल पे और 2 पद प्रखंड लेवल पे, और 3 पद को रखा जाता है सर और 1 पद को हटाया जाता है। सर कहाँ से न्याय संगत है? अगर मान लीजिए हम लोग कार्य प्रणाली और रैंकिंग हुआ हो, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है सर, हम लोग एकदम दक्ष हैं, हम लोग टेक्निकल वर्क के रूप में हम लोग आए हुए हैं, तो हम लोग एकदम दक्ष रूप में, हम लोगों ने जिला पदाधिकारी महोदय के कमिटी पैनल के द्वारा बहाल हुए कर्मचारी हैं, ना कि हम लोग के द्वारा, हम लोग अनुबंध के आधार पर भी आए, तो जिला पैनल के आधार पर हम लोगों की बहाली हुई है। और एक तरफ सरकार कहती है कि हम लोगों पे NNM के लिए भी 1003 संकल्प को मान रही है, और जिसमें जिक्र भी है कि अगर किसी योजना को समाप्त किया जाता है, अगर किसी एम्प्लॉई संविदा पे बहाल होते हैं, तो जब तक योजना चलेगी तब तक उनका बहाल किया जा रहा है। अभी तो योजना तो बंद हुई नहीं है सर, तो अगर योजना चल रही है तो हम लोगों को बहाल रखा जाए। अब रही बात सर फंड्स की, तो वो तो सर राज्य सरकार और केंद्र सरकार का मामला है, उसमें हम लोग को बेरोजगार क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हम भी भारत के बच्चे हैं, बिहार राज्य के बच्चे हैं, तो उसमें हम लोगों को बेरोजगार ना किया जाए और हम लोगों को यथावत बनाए रखा जाए। अगर सर एक तरफ वो संकल्प है उसमें कर रहे हैं कि आप हम एक तरफ से 1003 को लागू भी कर रहे हैं और दूसरे लोगों के लिए और हम लोगों पे ये भी लागू नहीं कर रहे हैं, ये कहाँ से न्याय संगत है? इसलिए हम बोलना चाहेंगे राज्य सरकार से, हमें बहुत अनुरोध है कि हम लोगों को यथावत बनाए रखा जाए, और माननीय निदेशक सर से हम भी आग्रह करें इसको तुरंत तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए, ताकि हम लोग को जीवन यापन चलता रहे। सर मैं अभिरुचि कुमारी सीतामढ़ी से हूँ। हम लोग की बहाली 2019 में पोषण अभियान ICDS विभाग में पोषण अभियान के तहत किया गया था, और 10 तारीख को हम लोग के पोस्ट को विलोपित करने का एक पत्र निर्देशक द्वारा निकाल दिया जा रहा है, और इस तरह से हम लोग बहुत विचलित और परेशान हैं कि बिना कोई अल्टीमेटम या बिना कोई सूचना का हम लोग के साथ इस तरह से किया गया है।
और हम लोग बिल्कुल डिपेंड हो चुके थे, हम लोग का परिवार बिल्कुल डिपेंड हो चुका था इस पे। अब हम लोग क्या करें, अब हम लोग का एज भी एक्सपायर की तरफ जा रहा है, अब हम लोग के पास ऑप्शन नहीं है। ऐसे ही ऑप्शन की कमी होती है बिहार में, ये तो सभी को जानकारी है ही। और हम लोग के साथ जो हुआ है और जो स्कीम के तहत हम लोग का बहाली हुआ था, अगर स्कीम चल रहा है तो फिर हम लोग को क्यों निकाला है? कोई बहुत स्ट्रांग रीज़न भी नहीं है कि हम लोग को निकाला जा रहा है। आप लोग कैजुअल पे थे तो उस समय क्या समय सीमा तय किया गया था आप लोग? हम लोग जब तक स्कीम है तब तक आप लोग बने रहेंगे, या 60 वर्ष तक की समय सीमा हम लोग का तय था। जब स्कीम चल रहा है, कितने साल तक किए हैं? अभी हम लोग 3 साल तक जॉब किए हैं। 3 साल तक हम लोगों की मांगे हैं सर कि हमारा जो ये जो लेटर आया है निदेशक सर जो जारी किए हैं 10 अगस्त 2022 को, तो इसमें इन्होंने पद को जो है प्रखंड परियोजना सहायक के पद को विलुप्त करने की बात कही है, इसमें दी गई है। तो हमारी ये मांग है कि जिस पावर का यूज करके उन्होंने जो है हमारे पद को विलुप्त करने की बात लिखी है, उसी पावर का पुनः यूज करके उस पत्र को निरस्त कर लें और हमें पुनः जो है ICDS का अपना अंग बना लें। और इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगी कि हमें 1003 जो लेटर नंबर है सामान्य प्रशासन विभाग का, उसके जरिए हमारे पद को समायोजित कर दिया जाए। क्या काम था आप लोगों की वहाँ पे, क्या काम करते थे? टेक्निकल सपोर्ट का काम, सेविका लोग को ट्रेनिंग देना, जो भी सारा सेंटर खोलने का होता है, जो भी वो काम करती थी ऑफलाइन पहले, अब सारा वो काम जो है मोबाइल के जरिए, एक पोषण ट्रैकर ऐप है उसी के द्वारा उसमें एंट्री करवाया जाता था, उसको बताया जाता था। किनको आप प्रशिक्षण देने का काम करते थे? सेविका को आंगनवाड़ी को भी? हाँ, आंगनवाड़ी सेविका ही नहीं सर, केवल प्रशिक्षण ही हम लोग नहीं देते हैं। ICDS के जितने कंपोनेंट्स हैं, जितने तरह के कार्य, चाहे वो भंडार पाल का कार्य हो, चाहे वो सिस्टम से रिलेटेड हो, सेविकाओं को ट्रेनिंग देना हो, फील्ड वर्क हो, सेंटर विजिट हो, ओवरऑल हम लोग करते देखते आ रहे हैं ओवरऑल। तो अब क्या हुआ, क्या कहना चाह रहे हैं वो? ये तो महत्वाकांक्षी योजना था ना PM मोदी का? जी, ये योजना तो है, तो इसमें DPMU BPMU जो दो लेवल है, इसमें जो जिला समन्वयक, जिला परियोजना सहायक, प्रखंड समन्वयक, इन तीन पदों को रखा गया है, केवल प्रखंड परियोजना सहायक के ही पद को विलुप्त किया गया है। तो हम लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा हम लोग क्या किए हैं, ऐसा आखिर हम लोग क्या किए हैं जो कि हमारे पद को विलुप्त किया जा रहा है बिना प्रतिक्रिया जाने। बहाली लेने वक्त क्या था आप लोग, किस मानदेय पे थे आप लोग? हाँ जी, मानदेय पे ही हम लोग थे। और हमारी जो बहाली प्रक्रिया है, निदेशालय के पत्रांक, जो हमारे भारत सरकार के जो है गाइडलाइन, उसके अकॉर्डिंग हम लोग का जो है पोषण, राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत हम लोग का पूरे पारदर्शिता के साथ हम लोग का जो है बहाली प्रक्रिया ली गई है, पूरी पारदर्शिता। सर, हम छपरा जिले से आए हुए हैं, हम लोग BPA हैं और NNM के थ्रू हम लोग का बहाली हुआ था 2019 में। कुछ लोगों का 3 साल हो गया है, कुछ लोगों का 1 साल हुआ है ज्वाइनिंग किए हुए। और हम लोगों का मांग है कि जो सरकार लेटर निकाली है कि BPA पद को विलोपित किया जाता है, तो हम लोग चाहते हैं कि सर उस पद को, लेटर को वापस लिया जाए और BPA पद को वापस रखा जाए। अगर सरकार पैसा देने में सक्षम नहीं है तो वो हम लोगों को बिहार सरकार रखे अपने किसी भी योजना में। सर, हम लोगों की मांग यही है कि राज्य सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के निदेशक, ICDS के निदेशक सर के द्वारा एक 10/8/2022 को एक लेटर जारी किया गया है, जिसमें हम लोगों के पद यानी प्रखंड परियोजना सहायक के पद को ख़त्म करने का आदेश दिया गया है। ये पोषण 2.0 गाइडलाइन के अनुसार ये इन्होंने सर आदेश निकाले हैं, जबकि उस पोषण 2.0 में ये भी आदेश किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, या तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार अपने फंड से निर्वहन से हम लोगों को रखे, बस इसलिए उसी आधार पर हमारे पद को जब ख़त्म कर दिया जाएगा। तो सर, हम लोग 425 हैं अभी कार्यरत पूरे बिहार में, यानी हर प्रखंड में 544 हम लोग की स्वीकृत संख्या है, लेकिन अभी 425 ही हम लोग कार्यरत हैं। तो सर, सरकार एक तरफ बोल रही है कि हमको रोजगार देंगे, और फिर हम लोग पहले रोजगार में होते हुए हमको हटाया जा रहा है, ये थोड़ा अनहाइजेनिक लगता है। इसलिए हमको
राज्य सरकार से मांग है हमको, आदरणीय तेजस्वी जी से और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मांग है कि हम लोगों को यथावत बनाए रखा जाए उसी पद पर, या नहीं तो सर पहले भी बहुत सारे ये समायोजित किया गया है, जो अनौपचारिक शिक्षा के लोग दूसरे विभाग के लोगों को ICDS में पहले समायोजित किया गया है, उसका बहुत सारा CWJC हुआ है, उन्होंने केस लड़के आया हुआ है, जबकि हम लोग सर ICDS के ही हैं ऑलरेडी, हम लोग ICDS के ऊपर जाएँ तो फिर हम लोगों को क्यों हटाया जा रहा है? कितने लोगों को हटा दिया गया या कुछ लोग कर रहे हैं? नहीं ये पूरे के लिए आदेश है, पूरे बिहार के लिए 425 पूरे बिहार के लोग के लिए ये आदेश निकला हुआ है, 31 अगस्त तक के हम लोग को हटाने का ये आदेश लिया है। क्या करते थे आप लोग वहाँ पे, किस तरह का काम था? हम लोग का काम था वहाँ पे जो पोषण ट्रैकर हैं, ठीक है, जो कि पहले सरकार के पास कुछ डाटा नहीं हुआ करता था, ठीक है, इसके बाद भारत सरकार ने NNM के थ्रू पहले कैश लाया, ठीक है, कैश के थ्रू कुछ कार्य हुआ, उसके बाद वो एक ऐप लेकर आए, ठीक है, जो इनका नाम है पोषण ट्रैकर। पोषण ट्रैकर एक ऐसा डाटा है, ठीक है, जिसमें गोदभराई, अनप्राशन, ठीक है, उसके बाद जितना भी हो स्कूल ओपनिंग का समय हो, ठीक है, अटेंडेंस का हो या बच्चा का जो भी गतिविधि होती है ऑनलाइन उस पर अपलोड होता है, उस चीज़ को हम स्टेट लेवल पर भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी और परियोजना लेवल पर भी देखते हैं, ठीक है, और सारा डाटा को हम लोग हर मंथ को लास्ट में, ठीक है, उस डाटा को हम सेंट्रल सरकार को शेयर करते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास ऑनलाइन सारे डाटा एकत्रित होती है, जैसे कि अभी रिसेंटली में आधार वेरिफिकेशन के लिए हम लोग को दिया गया, ठीक है, कि जितना भी बच्चा को न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है हर आंगनवाड़ी केंद्र पर, उस बच्चा को आधार नंबर होना चाहिए जो उसमें एंट्री करवाइए, या उसका नहीं है तो उसकी माँ का होना चाहिए, अगर उसका नहीं तो गार्जियन के किसी को होना चाहिए, उसको हम आधार वेरीफाइड करेंगे जो कि सरकार के पास, ठीक है, एक्चुअल डाटा होगा, ठीक है, कि मेरे पास इतना आदमी को हम न्यूट्रिशन और बच्चा को प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, यही हम लोग का मुख्य कार्य है, ठीक है, और जो कि डायरेक्टर सर के द्वारा हम लोग को 10 अगस्त को लेटर निर्गत किया गया, ठीक है, ये लेटर है, ठीक है, जो 10 अगस्त को निर्गत किया गया कि 31 अगस्त तक के बाद, ठीक है, आपका पोस्ट को विलोपित कर दिया जाता है, ठीक है, तो अब बताइए सर कि हम लोग का जो ज्वाइनिंग हुआ था एक प्रोसेस हुआ था, ठीक है, और हम लोग थर्ड पार्टी के थ्रू नहीं, हम गवर्नमेंट के थ्रू हुए हैं, ठीक है, कि जैसे हम लोग का विज्ञापन निकला, ठीक है, उसके बाद DM सर के अध्यक्षता में हम लोग को इंटरव्यू लिया गया, उसके बाद ज्वाइनिंग किया गया, विगत हम लोग 3 वर्ष से कार्यरत है और इसी पर हमारी पूरी फैमिली डिपेंड है, जो हम वर्किंग कर रहे हैं और जो इनकम हम लोग को मिल रही है, और कुछ खास नहीं 15,000 की इनकम पर हम लोग कार्य कर रहे हैं, और आज हम लोग को हटाया जा रहा है, कि हम लोग का यही एक उम्मीद है कि जो न्यू गवर्नमेंट बनी है तेजस्वी यादव से हम लोग का उम्मीद है कि फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में जो बोल रहे हैं कि हम 10 लाख रोज़गार देंगे, ठीक है, तो हम आग्रह करते हैं तेजस्वी सर से और नीतीश सर से, ठीक है, कि हम लोग 425 BPA का पोस्ट तो प्रखंड परियोजना सहायक है उनको पोस्ट को कंटिन्यू किया जाए, अगर नहीं तो, ठीक है, और भी ICDS में पोस्ट खाली है, जैसे लेखापाल सा भंडारण का पोस्ट खाली है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट खाली है, उसके बाद और भी पोस्ट खाली है, सांख्यिकी सहायक लिपिक का पोस्ट खाली है, उस पर हमारे पोस्ट को समायोजन किया जाए। थैंक यू।